This video is for educational and informational purposes only. Mutual funds and stocks talked in this video are purely used as examples. This video is not meant for advisory or recommendation purpose. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल शर्मा और एलिस ब्लू की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं एलिस ब्लू के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं और किस तरह एडवांस स्ट्रेटजी जो आगे आने वाली होंगी उनकी जानकारी भी आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस के अंदर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कैसे आप जान पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और किस तरह की जानकारी ये तीनों ही स्ट्राइक प्राइसेस हमको देते हैं। तो ये पूरी जानकारियां इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस एक फिक्स प्राइस होता है, जिसपे ऑप्शन के जो होल्डर होते हैं उनको बाय करने का या सेल करने का अधिकार होता है अंडरलाइंग एसेट्स को। कॉल ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस एक प्राइस होता है जिसपे कॉल का जो होल्डर होता है उसके पास एक अधिकार होता है अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का, और पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस का जो धारक होता है उसको अधिकार होता है कि वो अंडरलाइंग एसेट को सेल कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल की सहायता समझते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन जो 1500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 1500 रुपए की जो कॉल और पुट होगी वो एटीएम कहलाएगी, यानी कि एट द मनी। और यहाँ पे अगर इसको जो डिफरेंस है 1510, 1490, 1520, 1480, यानी 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे जा रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस के हमारे डिफरेंस कहलाएंगे। अब अगर हम 1500 रुपए को एटीएम कह रहे हैं तो अगर इससे हम नीचे की तरफ जाते हैं 1490, 1480, और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं 1510, 1520, तो 1510, 1520 जो होंगे वो पुट साइड में इन द मनी होंगे, और जो 1500 से नीचे की वैल्यू होंगी वो इन द मनी होगी कॉल के लिए। इसी तरह से जो ऊपर के रेट होंगे 1500 से ऊपर के, ये हमारे आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए होंगे, और जो नीचे के होंगे वो आउट ऑफ द मनी पुट के लिए होंगे। अब एक एग्जांपल समझते हैं कॉल ऑप्शन का। मान लीजिए एबी कॉर्पोरेशन जो है वो, उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो अलग अलग हमारे यहाँ पे इंटरवल बने हुए हैं, और जो मान लीजिए एबीसी कॉर्पोरेशन 1495 से लेके 1505 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो 1500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस होगी वो इसकी होगी एटीएम, 1510 की कहलाएगी ओटीएम, और 1490 की कहलाएगी इन द मनी की। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे हमने बात की। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1491 रुपए से लेकर 1495 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 1490 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी वो एटीएम कहला जाएगी, और जो बाकी 1500 और 1510 हैं वो दोनों ओटीएम हो जाएगी हमारे लिए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वही एबीसी कॉर्पोरेशन हमारा 1505 से लेके और 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1510 की जो स्ट्राइक प्राइस होगी हमारी एटीएम कहलाएगी, और इससे दोनों अंदर की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमारी इन द मनी की कहला जाएगी। तो ये हमने कॉल ऑप्शन के लिए समझा। सेम इसी तरह से पुट ऑप्शन के लिए समझते हैं। वही एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारा ट्रेड कर रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर वो 1505 से लेकर 1495 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो 1500 रुपए की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमारी एटीएम कहला जाएगी, 1510 की इन द मनी, और 1490 की हमारी ओटीएम कहला जाएगी पुट ऑप्शन के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी एबीसी कॉर्पोरेशन के अंदर। कि मान लीजिए एबीसी कॉर्पोरेशन आपका 1491 से लेके 1495 के बीच ट्रेड कर रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में 1490 आपका एटीएम हो जाएगा और 1500 और 1510 दोनों इन द मनी कहला जाएगी पुट ऑप्शंस के लिए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं यही एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड मान लीजिए 1505 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1510 के आसपास मान लीजिए, तो 1510 की जो पुट होगी वो एटीएम कहला जाएगी, और ये दोनों इन द मनी हो जाएगी, हमारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी 1500 की पी और 1490 की पी। तो बहुत आसानी से आपने समझा कि कैसे हम ऑप्शंस को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि एलिस ब्लू ने कम्युनिटी फोरम शुरू किया है। आप टाइप कीजिए community.elisblueonline.com, जैसे कि मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइए क्रोम पे, लिखिए community.elisblueonline.com, और जैसे इंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपको साइनअप करना है, साइनअप करके अपना अकाउंट बनाना है, या तो अपनी डिटेल्स डाल के आप अकाउंट बना सकते हैं, या गूगल या जीमेल के थ्रू भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीमेल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने जीमेल पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा अकाउंट है, इस पे मैं ओके कर दूंगा, क्लिक करूंगा, मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज पे करते ही यहाँ पे मेरा नाम, ईमेल आईडी, यूजर आईडी बन जाएगी, और मैं अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा।
क्रिएट करने के बाद कम्युनिटी फोरम के अंदर मेरी एंट्री हो जाएगी और कम्युनिटी फोरम का पेज इस तरह से नजर आएगा, जहां पे आप प्लस बटन जो आता है वहां पे क्लिक करके अपना कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई नॉलेज शेयर करना है किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और वो आपकी पोस्ट यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाती है फोरम के अंदर। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी फोरम को। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने बहुत ही आसानी के साथ में समझा कि ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, ITM क्या होता है और किस तरह की जानकारी आपको इससे मिलती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप ऑप्शन बाइंग करके चलें, सेलिंग करके चलें, क्या ग्रीक्स होता है, किस तरह की स्ट्रेटजीज लगेंगी, स्प्रेड, स्ट्राइक और बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप बन सके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल एक प्रो ट्रेडर और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पर यहाँ पे ट्रेड कर सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। $3 रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।